पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि इसमें शामिल नामों पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इस बार के कैबिनेट में कुछ पुराने चेहरे दोहराए गए तो वहीं कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली है। इन्हीं में से एक नाम है जीतनराम मांझी का। जीतनराम मांझी को शामिल करने के पीछे बीजेपी की कोई मंशा है या कोई मजबूरी, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। रविवार को पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने भी शपथ ली। जीतनराम मांझी के नाम की घोषणा होते ही ये चर्चा भी गर्म हो गई कि मांझी को मंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की कोई मंशा है या फिर कोई मजबूरी। दरअसल बीजेपी की राजनीति धर्म और श्रीराम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी झलक इस बार के चुनावों में भी देखने को मिली। जब बीजेपी के नेता राम मंदिर का श्रेय लेते हुए जनता से नारा लगवा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वैसे जनता ने नतीजों में अयोध्या से ही बीजेपी को खदेड़कर उन्हें एहसास करवा दिया कि आप राम को नहीं लाए हैं बल्कि राम की वजह से आप यहां आए हैं। मांझी के शपथ देने पर सवाल उठने की वजह ये है कि उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मांझी कहते हुए दिख रहे हैं कि राम काल्पनिक है। आपको बता दें कि भले ही ये मांझी के व्यक्तिगत विचार हैं, पर उनके इस बयान और बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा में भारी टकराव तो दिख ही रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा गर्म है। इस बयान के बावजूद बीजेपी ने किस दबाव या मजबूरी में मांझी को मंत्री बनाया है, वही इसकी बानगी 4 जून को भी देखने को मिली, जब नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ कहकर अपना संबोधन शुरू किया था। मतलब साफ है, जब जनता को साधना हो तो बीजेपी जय श्री राम कहती है, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाए तो राम का नाम जुबान पर नहीं लाती। डीबी लाइव की रिपोर्ट।